कन्नौज जिले के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में 5 दिन पहले हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। लुटेरों ने व्यापारी को घर छोड़ने का झांसा देकर अपनी बाइक पर बैठा लिया। लुटेरों ने व्यापारी से 2,70,000 रुपए लूट लिए। व्यापारी ने जब इसका विरोध किया तो लुटेरों ने व्यापारी को तमंचे के बट से जमकर पिटाई की। पुलिस ने शातिर अपराधी कुंजीलाल और उसके साथी को तेराजा केत से गिरफ्तार किया है। व्यापारी से लूट गए 2,70,000 और मोबाइल पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। लूट में प्रयुक्त तमंचा और बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार कुंजीलाल पर आधा दर्जन से अधिक लूट व अन्य मामले पहले से दर्ज हैं। और रामा आश्रम पे जैसे उतरा वैसे ही दो लोग आके एक लोगों ने हमें आदेश किया कि इस टाइम इस पर बैठ जाइए मोटरसाइकिल भैया रामा आश्रम वहाँ उतार देंगे। मैंने ये फिर उतारे नहीं हमको ले जाए तो वहाँ नवीनपुर के सामने वहीं पर पैसे लूट लिए। तो हमारी स्थिति बहुत ख़राब थी, हमारा मुंह सूज गया था, बड़ा मुश्किल में तो सर घर पहुंच पाए। इसके बाद दूसरे दिन जब होश आया तब हम फिर इस घटना की जानकारी दे पाए। हाँ बहुत मारा, हमें ऊँचा बांध दिया, गला कस दिया तो लाख घूसों डंडों से हो। ये 20 तारीख को एक घटना हुई थी, गुरसाईगंज थाना पड़ता राम आश्रय पुल के पास में दो बाइक सवार युवकों ने एक व्यक्ति को बैठा करके उसके 2,70,000 रुपये तमंचे के बल पर लूट लिए। क्राइम ब्रांच की टीम उसमें लगाई गई तो पता चला कि जो है वो पास के गांव के दो युवक थे जो शराब के नशे में थे और उनके द्वारा ये घटना की गई है। उनको पकड़ा गया तो उनके कब्जे से 2,70,000 रुपये पूरी बरामदगी हो गई। जो पैसा उन्होंने लूटा था वो मोटरसाइकिल मिल गई जिससे घटना हुई थी और वो तमंचा भी बरामद हो गया जो लगाया गया था।